हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 4 का, आपका एनसीईआरटी चैप्टर 4 का मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर दो टॉपिक कवर करेंगे, लॉरेंज फोर्स जो फुल्ली थ्योरी है और एक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका एक छोटा सा डेरिवेशन है ये करेंगे। तो हमारा टारगेट होगा कम से कम टाइम में इन दोनों टॉपिक का आपका फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो। अब समझते हैं लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में पड़ा है तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बट अगर एक चार्ज कुछ वी वेलोसिटी से चलने लग जाए, है ना, अगर कोई चार्ज मोशन में आ जाए वी वेलोसिटी से, तो वो क्या करता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट क्रिएट करता है। जिधर भी चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली चलता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो एक मूविंग चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है। साथ में इस चैप्टर में हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ओके, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे हमने देखना है कि अगर सपोज अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर कोई आई करंट जा रहा है और इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कुछ वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, थोड़ी देर बाद इसके साथ क्या होगा, जैसे ही ये वायर के पास जाएगा तो इसका मोशन ट्रेजेक्ट्री जो होगा, इसका रास्ता थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा डाइवर्जन इसके अंदर क्यों आया है, क्योंकि इस पे लगा होगा फोर्स। कोई बॉडी अगर चल रहा है और उसका पाथ में डाइवर्जन आता है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो उस पे लगा होगा। तो इस पे क्या फोर्स एक्ट किया होगा, तो यहाँ पे करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक करंट कैरिंग वायर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे बोलेंगे FB। FB इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर इसको फर्दर और एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर ओपन करें, है ना, आप फोर्स को भी वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पे, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पे साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये तो रहा आपके पास। अब थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा जो है वो आपका है एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड वी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच के एंगल को थीटा। तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स रहा। अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स क्या कहता है। तो लॉरेंज फोर्स ये कहता है कि अ चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, ओके, किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, ओके, एफ नेट, वो किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। तो दिस इज लॉरेंज फोर्स का ये बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके पास, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज, टोटल फोर्स, यहां पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब यहां देखिए, एफ नेट है तो यहां पे हमने क्या लिखना है, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई, एफ ई की जगह क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स हमने क्यू इंटू ई पर रखा है, प्लस एफ बी। अब एफ बी का तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर थोड़ा और इलोबरेट करें तो आप इसको भी लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। तो दिस इज लॉरेंज फोर्स। सिंपली कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस पे जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां देखिए, यहां फोर्स ही एक्सपीरियंस करा ना, जिसका इसका रास्ता डाइवर्ट हुआ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंज फोर्स। अब इसी का यूज करते हुए हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अपने पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड सर्फेस के अंदर है। तो इस तरह से अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेट्स से कि हम लोग एक एल लेंथ का वायर है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, देखिए यहाँ पे वायर का लेंथ एल है और ए इज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर आप देखिए तो अगर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चल रहा है तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा वीडी क्या हो गया आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि कभी भी जब सर्किट के अंदर करंट आता है कंडक्टर के अंदर तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक करंट का प्रोडक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में हमने एक आई करंट फाइंड होगा, आई करंट। ओके, तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एन इज कैपिटल एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे चलिए स्मॉल एन मान लेते हैं, चूंकि एनसीईआरटी में स्मॉल एन दिया है, बाकी वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप कैपिटल एन भी मान सकते हैं। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है कि इस जो भी आपके पास कंडक्टर दिख रहा है ये वायर व्हाइट कलर से, इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे वॉल्यूम में। तो पहले तो अपन वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवेन कंडक्टर और वायर गिवेन कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आपके सामने दिख रहा है इसके वॉल्यूम के बारे में आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो अब देखिए एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतने यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहां पे हम लोग बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टर, जो भी कंडक्टर अपने पास है गिवन कंडक्टर, ये क्या हो जाएगा? एन इंटू ए इंटू एल, एन ए एल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है। ओके, और करंट ऊपर की ओर जा रहा था, इसमें जो ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स नहीं, सीधा हालांकि मैग्नेटिक फोर्स ही है, बट यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, तो फोर्स इस डायरेक्शन में। तो अब बेसिकली यही फोर्स हमने निकालना है। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स का अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, क्यू इंटू बी क्रॉस बी। अब V क्रॉस B का मतलब देखिए, अब Q की वैल्यू हम क्या लिखें? एक इलेक्ट्रॉन, पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, और V क्रॉस B मतलब VB साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो ध्यान से देखिए वेलोसिटी कहाँ है? नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। क्रॉस ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है और वेलोसिटी अंदर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग थीटा के जगह क्या पुट करते हैं? थीटा के जगह 90 डिग्री जब आप पुट करोगे तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 E into V into B। तो ये जो आपके पास निकल के आया है क्या है? ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ईवीवी फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एनएएल। तो हम लोग यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन पे हमने टोटल फोर्स अगर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ नेट, है ना, नेट फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, या सिंपली मैं अभी एफ लिख रहा हूं, क्या लिख दे? एन ए एल ई वी बी। ओके, अब देखिए, अब मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, आपने पढ़ा होगा ऐसा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, सॉरी करंट का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहाँ पे करंट, ये हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है, नहीं पता तो आप ध्यान लीजिए। I n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे V जो है बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हमने क्या बोला है? ड्रिफ्ट। तो n e a v d सब कुछ दिख रहा है, तो मैं इन सब के जगह I पुट कर दूं, F इज इक्वल टू I b a। ओके, I इंटू b इंटू b
इंटू ए, ओके, आई इंटू बी क्रॉस ए, हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो एफ इक्वल टू आई इंटू बी क्रॉस ए, फोर्स रहा, ओके, या सिंपली यहाँ पे चाहे तो अगले में मैं अगर एंगल वाला अगले टर्म में ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली अभी लिखता हूँ एफ इक्वल टू आई ए आई बी इंटू ए, तो किसी भी वायर पे फोर्स कितना है, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर हम लोग देखेंगे एंगल, यहाँ पे हो सकता है एंगल भी बनेगा, है ना, तो जब एंगल बनेगा यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल वाला केस ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज क्या करा, ए तो हमारा कंबाइंड हो गया ना, बस एल बचा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बेसिकली ए तो हमारा आ गया फॉर्मूले के अंदर ही ना आई के जगह, तो बच कौन रहा है, ये बस एल बच रहा है और बी बच रहा है, ओके, और बाकी की जगह तो आई है, आई इंटू एल इंटू बी, ओके, आई इंटू एल इंटू बी, जहां एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक वायर, अगर कोई एंगल बनाएगा तो उसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज के अंदर हम लोग, आप एक बार स्क्रीनशॉट यहां पे ले लेंगे जहां भी आपको नेट लगे, मैं एक बार नया पेज पे चलता हूं, कहां चला गया, ओके, सो ओके है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वायर है अगर कुछ एंगल बना रहा है, जो भी कंडक्टर अपने पास है अगर वो कुछ एंगल बना रहा है, लेट से कि वो हमारा जो कंडक्टर था अब की बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ओके, थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला अभी क्या लिखा हमने, आई एल बी लिखा ना, तो थीटा एंगल जब बनाएगा तो आई इंटू एल क्रॉस बी, ओके, और अगर क्रॉस हटाओगे तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ओके, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन देखा क्या है, इस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ओके, तो डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे न्यूमेरिकल भी बनेगा, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।